तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, कर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर तुम्हारो वाली हो। पहचान नहीं पाए, देखा एक सदवा नारी को सुहागिन औरत और आशीर्वाद दे रहे। अब द्रौपदी को मौका मिल गया। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। दादा ये तुम क्या कह रहे हो, कल कह रहे थे मैं अर्जुन को मार दूंगा और आज कह रही है वरदान दे रहे हो। यदि मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बतला बाबा, फिर कहां तेरा रह जाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, सिंदूर ना मांग का उड़ाओ तुम, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बाणों से इसे मिटाओ ना। महाराज ये सब रहने दो, अब बाबा को ध्यान हुआ। ये क्या हुआ, अब आया हो सुपिता मही को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। अब उस आया बोले, ये तो द्रौपदी है, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे, बेटी तेरे इन प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरी सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहां छुपा, तुझको यहां तक लाने वाला। भाई द्रौपदी तू अकेली ना आई, तो चली चलाया ये कही के भाई द्वारा उसे बता दो कहां है। अब भगवान बोले पुल खुलेगी और घूंघट मार लियो, अपने प्रेमी को, अपने आदमी को, अपने और तो ट्रैक्टर पे चलने को हमारी की आवाज आ रही है, हमारो सो लग रहा हूँ, हमारी मोटरसाइकिल है। समझ गए भीष्म पितामह, उधर भगवान समझ गए, बोले बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र है कर डाला, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने है वाला। बेटी आज मैं समझ गया, कोई और नहीं वो ही है तो तुझे यहां तक लाया है। अब बाबा चलने लग गए, उठकर जो देखा बाबा ने, जोड़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। पहचान गए बाबा और बोले, बूढ़ा होने को आया है पर गई नहीं तेरी चोरी, नित नई नीतियां चलता है तुझसे चोरी मुझसे चोरी। हे कृष्ण तुम्हारा बुढ़ापो आएगो पर तुम माने ना, अभी भी चोरी नहीं छोड़ी, आज भी तुम क्या बन के आ गए। बोले बाबा मेरे स्वामी, ये कैसा खेल रचाया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। आप दासी बन के आए हो और बोले, चरणों पर झुके पिता में अब लगे प्रेम से रोने में, द्रौपदी की चप्पल लुपट रही उस पीतांबर के कोने में। जैसे ही दादाजी चरणों पर झुके, तो जब कोई झुकता है तो उठाना पड़ता है सामने वाले को, जैसे ही प्रभु ने हाथ उठाए वो चप्पल गिर गई। उसको देख करके आप दादा के नेत्र में जला गया, प्रभु आप कितने सरल हो, कितने सरल भगवान हो जो अपने भक्तों की चप्पल उठाए पड़ते। अब कोई संशय नहीं रहा, जहां पर आप हो विजय तो वहां पर हो। मैं तो एक मार्ग अवरोधक बना हुआ था आपके बीच में और कहा, बोले बाबा घर जाओ बेटी, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ, जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है उसको कोई नहीं मार सकता, और अब मैं ही युद्ध से हट जाऊंगा।
बेटी कृष्ण तुम साक्षी हो, तुम्हारी सेना में एक शिखंडी नाम का सैनिक है, वो पूर्व जन्म का अंबा है, मैं उसे जानता हूँ और उसने भी जन्म पे जन्म लिया है मेरे लिए। कल के युद्ध में अर्जुन अपने स्थान पर उसे ले आए, मैं हथियार डाल दूंगा, अपने हटने का रास्ता बता दिया। भगवान बोले, दादा आज मैं आपको छलने आया था, लेकिन आज आप ही ने मुझको छल लिया। आज तुम जो चाहोगे, अगर आप चाहो कि दुर्योधन की विजय हो तो मैं पांडवों को ले जाऊंगा, दुर्योधन को राज मिल जाएगा। आज तुमने मुझे जीत लिया है। प्रभु जो नहीं होना है उसको क्या गाना, मैं ही रास्ते से हट जाऊंगा। तो दादाजी आज आज आप मुझसे जो मांगना चाहते मांग लीजिए, आज मैं आपको बैकुंठ का राज भी दे सकता हूं। ये भक्त के लिए भगवान है। बोले प्रभु जिसके लिए संत महात्मा जन्मों तक लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु जी अंत समय भी नहीं आ पाते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आप जब मेरा प्राणांत हो इतना कर देना स्वामी, एक बार अवश्य आना। वो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, वो जब प्राण तन से निकले वो इतना हमने कर Thank you.
हमारे धीरज भैया आए, उनके मामा जी निवासी धीवा जो भोपाल में रहते हैं, अब कथा प्रेमी हैं विशेष और भगवान के परम भक्त हैं। 100 रुपये का दान भगवान की अमृतमयी कथा में देते हैं, भगवान के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। आज भगवान को वो बात याद आई जो वचन दिया था पितामह भीष्म को, मुझे जाना है। 58 दिन हो गए थे सरसैया पर पड़े हुए। कुंती, द्रौपदी, धौम्य पुरोहित, व्यास जी, पांचों पांडव पहुंचे हैं मैदान में। सारा शरीर से रक्त निकल चुका है, हड्डियों का पिंजर सा सैया पर पड़ा हुआ है, नेत्रों से निरंतर जल की धारा बह रही है, मानो किसी के इंतजार में पहुंचे। सबने प्रणाम किया, अंत में जब कहा दादाजी मैं वासुदेव श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, आज नेत्रों में जल आ गया, प्रभु आज अपने वादे को निभाने के लिए आप आ गए। दादाजी हाँ बोले तो प्रभु मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है, मेरी दृष्टि तो ऊपर की ओर हो रही है बाणों पर, थोड़े झुकिए मुझे दर्शन दीजिए। आज भगवान झुके, जैसे ही भगवान ने दादाजी के मुख की तरफ मुख किया, भगवान के घुंघराले बाल, दादाजी के श्वेत बाल ऐसे मिले जैसे गंगा यमुना का मिलन हो रहा है। आज बोले प्रभु आप अपने वचन को निभाने के लिए आ गए, अब मुझे आज्ञा दें, सूर्य भी उत्तरायण है, अब तो हस्तनापुर चहुओर से सुरक्षित है। बोले कुछ नहीं महाराज, ये दुष्टर राजा हैं, आपने राज तो किया नहीं लेकिन राज की सुरक्षा तो की है, कुछ ज्ञान दीजिए राज के बारे में बताइए। तो दादाजी बोले देखो पुत्र, 3 बातें स्मरण में रखना, अतिथि का सत्कार करना पहली बात, दूसरी बात कोई भी शरण में आ जाए उसको मारना मत, और तीसरी बात कहता हूं बेटा कभी भी अपनी आंखों से अधर्म होते हुए मत देखना। जब बाबा ने यह कहा द्रौपदी को हंसी आ गई, हंसी को सुनकर के सब शांत। दादा बोले कौन हंसा? बोले कोई नहीं, नहीं कोई हंसा है, और किसी देवी की हंसी है, स्त्रियों की हंसी में और पुरुषों की हंसी में अंतर होता है, कोई स्त्री हंसी है। द्रौपदी बोली दादाजी कोई बात नहीं, थोड़ी मुझे हंसी आ गई थी। द्रौपदी तुमको क्यों? बोले दादाजी मुझे हंसी आ गई, ये धर्म की बात तुमने जल्दी में सीखी दीखे,
क्यों पुत्री? तो दादा मैं तुमसे पूछती हूँ, उस समय धड़क रहा था जब मेरा चीर खिस रहा था और मैं शोर मचा के कह रही थी, सारी बिच नारी और नारी बिच सारी है, सारी ही किनारी किनारी ही सारी है, दुशासन खींचे साड़ी खींचे नहीं साड़ी है, साड़ी के रोम रोम बैठे मेरे गिरधारी, अगर मेरे गिरधारी ना होते तो मेरी तो लाज लुट जाती दादा, उस समय तुम्हारा धर्म कहां था? पुत्री सत्य कहती हो लेकिन क्या करूं, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था जिससे मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं हो पाई उसको मैं रोक सकूं, और शायद उसी का परिणाम मुझे आज मिल रहा है। ये सांप की बात किसी शास्त्र में लिखी नहीं है कि भीष्म पितामह ने बाण की नोक से किसी सांप को फेंक दिया, बमही को फेंक दिया, इतने दिन में मरी कांटों पे चली गई, यही अधर्म था। अगर किसी की स्त्री की लज्जा जा रही हो, कन्या की लज्जा जा रही हो, उस समय चाहे तुम्हारे प्राण चले जाएं, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और दादा भीष्म इतने महान योद्धा थे फिर भी कुछ नहीं कर पाए, यही सांप था। बोले पुत्री आज तुमने कह करके अपने दिल की भड़ास निकाल ली, अब मुझसे कोई बात मत करो, मैं अपने मन को प्रभु में लगा चुका हूँ, क्षमा मांगता हूँ और अपनी बुद्धि को भी परमात्मा में लगाना चाहता हूँ। ये केशव आए हैं, इतिमति रूप कल्पताम कृष्णाम भगवत सात्वते पुंगवे भूना, अपनी मति को भी भगवान में लगा दिया, मन को भी भगवान में लगा दिया, शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने अंत्येष्टि संस्कार किए, बरसी संस्कार किए, उसके बाद में भगवान वहां से चले। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा मैंने बहुत नरसंहार हुआ, मेरे कारण में राजा बना, मुझे यज्ञ करना चाहिए, भगवान से सलाह ली। बोले महाराज हे कृष्ण मुझे यज्ञ करना है। बोले राजन करो, तुम्हारे पास धन बहुत है। बोले धन तो है पर ये तो प्रजा का है, इस धन से मैं कैसे यज्ञ करूं? तो बोले राजन राजा का समस्त पृथ्वी पे अधिकार होता है, आप हिमालय पर्वत पर जाइए वहां पर बहुत धन है। बोले हिमालय पे धन कहां से आया? बोले राजन सतयुग में एक मरुत नाम के राजा हुए और राजा ने बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ किया वहां पर हिमालय की शिखर पर, 5 योजन के बीच में तो यज्ञशाला थी, 5 चौक 20 कोस के बीच में 1 योजन 4 कोस का, और जैसे हम बाद में घी की धार लगाते हैं ना, तो जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है इतनी मोटी घी की धार लगती थी। कहते हैं अग्निदेव को भी अपच हो गया था, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को संतों को इतना दान दिया था कि ब्राह्मण संत वो सोने के बर्तन चांदी के बर्तन ले जा नहीं पाए, वहीं छोड़ गए। उस धन को मंगाइए राजन, उससे आप यज्ञ कीजिए। धन को मंगाया जी, यज्ञ किया, और यज्ञ कराने के बाद में आज भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के पहुंच जाते हैं द्वारका पर। लेकिन कह करें ससुरार सुख की सार, दिना 2-4 बस, दिना 10-20, कहानी है जय 25। हाँ अर्जुन ससुराल में है, अब अर्जुन की तो ससुराल है जी द्वारकापुरी, कृष्ण की बहन ब्याही है। ससुराल में कभी कभी परीक्षित जी बनऊ बन जाए, एक सीधे साधे आदमी बेचारे गांव के और दिल्ली ब्याह दिए, अब दिल्ली शादी है गई, अब पत्नी दिल्ली में ही, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी और अपने पति की बहुत बड़ाई करे दिल्ली में। सहेली बोली भाई जीजाजी की बहुत बड़ाई करे तो अच्छे ही होंगे। अब बेचारे गांव के सीधे से, अब ऐसे जैसे हमारे ऑपरेटर साहब, हाँ ऐसे मान लो, अब वो बेचारे बोले ले पत्नी ले आमे, पैदल के रास्ता है, पत्नी लेने पहुंच गए, अब सहेली हुई बैठी, बोली जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए, दावत बनाओ। तो गोभी आलू की सब्जी बनाई,
और पूरी गे सीना चूल्हो ही चलायो। अब वो बेचारे गांव से पैदल गए, पैदल के रास्ता आए। अब सहेली बोली जीजा जी भोजन करवाए की चलेंगे, बैठ जाओ। अब जो चूल्हे बेचारी उनकी पत्नी बना रही, उनने पूरी सेकी, थाली में रखी, आलू गोभी की सब्जी रखी। अब एक सहेली आई, बोले जीजा जी थाली खाओ भोजन। अब जीजा जी पैदल तो गए भूखे, वैसे शहर में और गांव में अंतर है। शहर में पूरी बनाएंगी छोटी छोटी, और गांव में पहले बड़ी चौड़ी पूरी बने करें। अब शहर में छोटी छोटी बनाई, अब जो है का बेचारे गांव से गए, बोले भाई इतनी सी तो पूरी है, अब यहाँ को टूक ही कहा तोड़ू। वो पूरी पूरी लई, आलू गोभी की सब्जी धरी, जय सिया राम। पत्नी चूल्हे पे देख रही, बोले ने तो मेरी नाक आपकी सहेली है, बता मैं बड़ाई कर रही, वही तो सियाबत पूरी खा रहे। कह तो सकू ना, इशारो कर चूल्हे पे दे उंगली, दो उठाई गमार पनपति को देख, दो उंगली उठाई गमार पनपति को देख, इशारो कर रही है, एक एक पूरी के दो दो टूक करे जा। अरे एक पूरी में दो दो ग्रास करे जा। अब पति तो ऐसे है ही जिनको मैं नाम लियो है, बोले यो कह रही है इतनी दूर तक चल के आए हूं, या तुम्हारी एक पूरी तो है कारो, दो दो चलन दो। हाँ यादव का सल पड़ रही है। अब एक पूड़ी ले, वहां पे आलू गोभी की सब्जी रखे, दूसरी वहां पे औंधी मारे, गुड़ी मुड़ी करें और जय सिया राम। बोली महाराज ये तो उल्टो ही पड़ गए, उल्टो ही समझ गए। बोली और इशारो करूं, दो दो को चबान लगो मूड़ मती एक साथ, माथ ठोक त्रिया कहे निकला जसो डरे जा। माथे में हाथ मारो कह कर रहे हो। अब वो फिर बेचारे उल्टो ही समझ गए, बोले ओहो गड़बड़ है रही है, गियो कह रही है कोई पूजा मनसी है आज, जन मावस है, जन पूर्णमासी है, जन करवा चौथ कहा है। गियो कह रही है पहले पूरी ने लियो माथे ते लगाओ जब ने खाओ। अब दो पूरी ले और सब्जी रखे ऊपर को हाथ ले जाए, फिर नीचे गुड़ावे, फिर माथे पे लगावे, फिर उन्हें खावे। बोले महाराज ये तो फिर उल्टो ही समझ गए। लास्ट में गुस्सा आया और चूलो जर्रों से लकड़ियां निकाल रही है और यूं करके कर रही है। बोल उठी रोस भरी चूल्हे से चतुर नार, ऐसे चूल्हे बावरे जैसे प्रथम जर तो आयो ऐसे ही जरे जा। अरे जैसे पहले एक चल रहे भाई, एक पही आ जाए, काहे को ड्रामा कर रो गोविंद भगवान की जय। तो आज 7 महीने हो गए ससुराल में साहब। उधर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से बातें कर रहे थे, भैया अर्जुन को 7 महीने हो गए अभी तक लौट के नहीं आए, और मुझे तो ऐसे लगता है कुछ अपशकुन होते हैं। कैसे भैया? जब भी मैं भीम जाता हूं तो गौ ब्राह्मण मुझे बाएं करके चले जाते हैं। जय श्री राधे। और मेरा बायां अंग फड़कता है। अब शकुन हो रहे भैया क्या करें, इतनी देर में बातें कर रहे थे, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने आकर के भैया को प्रणाम किया, बोले अर्जुन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? चेहरा पहचान लिया महाराज ने। बोले भ्राता क्या बताएं? बोले बताओ क्या तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो? आदमी का चेहरा उदास कब होता है, चेहरे का तेज कब जाता है? जब वो पथ भ्रष्ट हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, या अपना कोई ऐसा चला जाए जिससे हम विशेष प्रेम करते हैं, उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते, तो उसका तेज चला जाएगा। या गाय बैल की हत्या कर दे, ब्राह्मण की हत्या कर दे, तेज चला जाता है। भैया अर्जुन तुमने कोई ऐसा कृत्य किया है? क्या हुआ? और द्वारकापुरी में सब कुशल से तो हैं? बोले भैया क्या बताऊं, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, यदुवंश का आपस में संहार हो गया, श्री कृष्ण भगवान
के पैर में जरा नाम के ब्याज ने बाण मारा और वो भी अंतर्ध्यान हो रहे थे तो मुझको बुलाया और मेरे लिए खबर भेजी कि अर्जुन आज से सातवें दिन द्वारकापुरी जल मग्न हो जाएगी, मैं अपनी लीला संभल करके जा रहा हूँ, मेरी जो रानियां बची हैं उनको तुम साथ ले जाओ। भैया मैं उन बची रानियों को साथ ला रहा था भगवान की आज्ञा से और एक इनका नाती बचा था बज्रनाभ। तो रास्ते में जब मैं आ रहा था कुछ भील आए और मुझे लूट लिया, तो मुझे मालूम हुआ कि हमारे साथ जो महाभारत युद्ध में ने जीता वो अपने बल से नहीं जीता था, वो श्री कृष्ण की शक्ति थी। जिस गांडीव पे मुझे भरोसा था वो गांडीव चला ही नहीं, उनके डंडों के आगे भील ही लूट ले गए। महाराज ये काम हुआ है और जिन पर हमें विश्वास था हरि चक्र चलाने वाले वो प्रभु हमसे अंतर्ध्यान हो गए हैं। हो हरि चक्र सुदर्शन वाले घनश्याम चले गए, हरि चक्र सुदर्शन वाले घनश्याम चले गए, हरि चक्र सुदर्शन वाले घनश्याम चले गए, हरि चक्र सुदर्शन वाले घनश्याम चले गए।
बोली बाबा जी साहेब की जय। अरे सब पहचान लो तो मार जाओ। गोविंद भगवान की जय। तो बताया यदुकुल का संहार हो गया, प्रभु चले गए। अब देखो एक बात है यहाँ पर, आपने ही बहुत सुनी है, हम भी सुनते हैं। एक कहावत है, समय समय से होता है समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। कहावत है जी, ऐसा क्यों है? ये कहावत क्यों है बताती, एक समय की बात है। अष्टावक्र मुनि जो राजा जनक जी के गुरुदेव थे, जैसे वो हिमालय के पास गंगा में स्नान कर रही थी, जल गर्दन तक जल में थे और सर्दी का महीना था। उसी समय स्वर्ग लोक से अप्सरा आई स्नान करने के लिए गंगा जी। संत महात्मा को स्नान करते हुए देखा, बोले इतनी सर्दी में और गर्दन तक जल महात्मा तपस्या कर रही है, दूर से प्रणाम किया। अष्टावक्र मुनि ने देखा अप्सराएं प्रणाम कर रही हैं, बोले देवियों वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान देनो चाहो तो ऐसो वरदान दियो, तुम जिनकी तपस्या करते हो जिनका ध्यान करते हो वही हमारे पति हो, यानी भगवान पति हो। अष्टावक्र मुनि बोले जाओ देवियों, अगर मैंने मन से श्रद्धा से सच्ची लगन से तप किया है तो भगवान ही तुमको पति मिलेंगे, तुम भगवान की रानी बनोगी। वरदान दे दिया जी। तप करने के बाद में वो मुनि जैसी गंगा जी से बाहर निकले तो आठ जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र। अब वो अप्सरा देख के वह शरीर सोई हंस गई, अरे गे बाबा पते वरदान मांग रही हम तो बताओ, ये तो आठ जगह टेढ़े हैं। उनको देख करके हंसी आ गई, ऋषि महात्मा समझ गए, बोले ओहो देवियों इस शरीर को देख के हंसती हो, तुमने वरदान मांगा था भगवान की पत्नी बनेंगी और आज मेरे शरीर पर हंसती हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, पत्नी तो तुम भगवान की बनोगी पर एक दिन भीलन के पल्ले पड़ोगी, भीलों के द्वारा लुटोगी तुम। अब तो घबरा गई, महाराज के चरणों में गिरी, महाराज क्षमा करें पर अपराध हो गया, आप इस सांप को वापस ले लीजिए। बोले देवियों जाओ, ऐसी बात है तो भील तो तुम्हें लूटने आएंगे लेकिन जैसे ही आपसे स्पर्श होगा आप तुरंत देवलोक को चली जाओ। ये वो कहावत पूरी हुई, भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। अनि भगवान की गोपियों को लूट सकता है जी, बताओ आप, ये कारण था। बोले गोविंद भगवान की जय। आज
पांडवों ने निश्चय निर्णय कर लिया युधिष्ठिर जी महाराज ने कि अब प्रभु चले गए तो हमको क्या करना है। इनके पुत्र थे जो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, उनको राजगद्दी पे बिठाया, मुकुट रख दिया और बोले पुत्र अब हम तुमको राज सौंपते हैं, तीन बातों का याद रखना, अतिथि का सत्कार करना, शरण में आए को मारना मत और अपने आंखों से कभी अधर्म होते हुए मत देखना। अपने सिर पर चीर धारण किया जी, पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालयों की तरफ चले गए, अपने शरीर को हिमालय में जाकर के गिरा दिया। उसके बाद परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित जी महाराज ने इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ और दूसरे शास्त्रों में नवलदे का भी नाम आता है। इनका विवाह नवलदे के साथ में हुआ जो वासुकी की पुत्री थी। 30 वर्ष राज किया राजा परीक्षित ने। राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे अपने जीवन में, भागवत जी में लिखा है। 4 पुत्र थे, जन्मेजय बड़े थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, 4 पुत्र थे महाराज के। और भैया बुला लो इधर, आगे आओ ना इधर। गोविंद भगवान की जय हो, आ जाओ जा। आज जन्मेजय महाराज बड़े पुत्र थे, राजगद्दी सौंप करके चले गए, विवाह हुआ, 4 संतानें हुई, अश्वमेध यज्ञ किए। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था उस समय राजा की उम्र हमारा अब तो कितनी होगी, लेकिन 60 वर्ष की उम्र थी। नीति का श्लोक है, प्रथमेन अर्जितम द्वितीय न धनम, तृतीयम न अर्जितम ज्ञानम, चतुर्थम किम करिष्यति। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो 50 से 60, 65 से ऊपर ही होता है। इसलिए राजा को श्राप तो लगा, इसलिए राजा ने वैभव को त्याग दिया था। अब गुरुजी नई उम्र में उम्र में कहीं बालक तक कह दे अरे हाँ दियो श्राप, कोई मान लेगा? क्योंकि वो ज्ञान की अवस्था होती है। इसलिए राजा की उम्र 60 और 61 के बीच की थी। आज राज देख गया, राजकाज को प्रेम से चलाते हैं, यज्ञ इत्यादि किए। एक दिन सोचा हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े का छोड़ गए क्या ना है, सब सोचे करें। राज करते हैं और खजाने को देखते हैं। इसके बाद में दिग्विजय करने राजा चल जाए, बोले हमारे बड़े बूढ़े कहां तक खेत की मेड़ी, कहां तक हमारा राज सीमाई, उसको देखना चाहिए। राजा दिग्विजय के लिए चले। हमारे भारतवर्ष की आर्यभट्ट देश की राज सीमा पर पहुंचे तो क्या देखा, एक काला सा पुरुष है, सर पर मुकुट बंधा हुआ है, राजा जैसे कपड़े हैं, वस्त्र हैं और हाथ में डंडा लगा हुआ है। आर्यावर्त की उस सीमा पर गाय और बैल को डंडे से पीट रहा है। गाय साक्षात पृथ्वी माता है और बैल साक्षात धर्म है। आज उस धर्म के 4 पैर थे, 3 पैरों को तोड़ दिया उस बैल के। गौ माता ये हालत देकर क्या दुखी होती है, रोती है। कैसा समय आ गया, हमारे भगवान श्री कृष्ण चले गए तो आज हमारी ये दशा है। वही दशा आवे कछुदना को तो बांस से बंधे वह गौशाला पे है, अजी गौशाला बनेगी है और पैसा हुआ है ना, तो वहां एक गाय ठाड़ी हुई ना वो बांस दिखाई दी है ना कोई धन आए। गाय के नाम पे बताओ धन जा रहा है, गोरी गोपाल और धल्ला सुनो तो, गौ माता की सेवा, बड़ी बूढ़ी की सेवा, उन्हें दिखा दिखा के नेट पे डाल दे और भाई सेवा है रही है, बिस्कुट उन्हें मिल ले। आज भी गौशाला के नाम पे आता पर पहुंचे कहां है, बीच में अजगर बैठे हैं।
ये को पास है वहां से वहां दिखाई दे गौशा में बड़ी बुरी गाय कर रही तुम्हें याद है। अरे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले में, हमें दूध पिवाए भर भर के बेले में। अब दूध दे तो गौ माता की पूजा हो ना तो ढोले जाओ गाय खेत में चले जाओ। अरे सासी का मत बताओ, आज गाय रोती है भगवान चले गए तो आज हमें पीटा जा रहा है और तीन पैर तोड़ दिए, यही धर्म के चार पैर हैं, तप पवित्रता सत्य और दयादान। तीन पैर चले गए, कलयुग में केवल एक ही बचा है, प्रगट चार पद धर्म के, कल में एक प्रधान। जैन के नविद दीजिए दान करे कल्याण, एक पैर बचा है और दान की सीमा नहीं होती। मैं आज भी कहता हूं आपसे जैसा भी बने, भीषम पितामह ने भी ये शिक्षा दी, दान धर्मान राज धर्मान, जैसा भी आप कमाओ। दान की धन की तीन गति होती है, जो भी है पहले दान करो, बचे उपयोग में लो, अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र, नहीं तो तृतीय जो गति है वो नाश की हो जाती है। आज वो गौ माता रो रही है, ये राजा देख रहे थे। राजा ने कहा ओहो मैं पांडेवंशी राजा और मेरे राज में निरीह जीवों को मारा जा रहा है, मैं देखता हूं। राजा ने धनुष बाण निकाले और जैसे ताना, कलयुग बहुत तेज था, वो कलयुग था, उसने अपने मुकुट उतार के फेंक दिए, तलवार फेंक दी, राज चिन्ह फेंक दिए और जाकर के राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज त्राही माम मुझे छोड़ दो महाराज, मैं आपकी शरण हूं। राजा को याद आ गया, मैंने पिताजी को वचन दिया था अपने दादाजी को, शरण में आए को नहीं मारूंगा। बोले भाई तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले कलयुग? हाँ महाराज, मेरा समय आ गया है, आप मुझे स्थान दें। तो बोले भाई मेरे राज में तुम नहीं आ सकते हो। बोले महाराज जब समय आ गया तो बताओ। तो राजा ने सोचा ऐसी जगह बता दे जाए जाई ना। बोले भाई चार स्थान देते हैं, दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विदा, तू जुआ में निवास कर, चोरी जैसा कार ना जो सरकार ना हो, तो चोरी जैसो काम ना है जो सरकार पुलिस ना हो तो रात दिन चोरी करे। हा चोरी जैसा कारना सरकार ना हो तो, और जुए जैसा खेलना जो हार ना हो तो, जुआ में जीत तो ही चलो जाए, हार ना हो तो बताओ कितना रह जाएगा, लेकिन हारता है उसमें झूठ चलता है। औरत जैसा वजूद ना जो बदकार ना हो तो, और भैया जैसा प्रेम ना जो टकरार ना हो तो, तो जुआ में निवास करेगा। पानम जहां मद्रा पान करके अहंकार घमंड की बात होती होंगी वहां निवास करेगा, लड़ाई झगड़ों में निवास करेगा। स्त्रिया जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां निवास करेगा। और सूना कहते हत्या के लिए, जहां हत्या होती हो, क्योंकि जहां हत्या होती वहां दया नहीं होती है, वहां निवास होगा। अब कलयुग ने सोचा महाराज के राज में तो कोई है ही ना, कहां रहूंगा? बोले महाराज एक स्थान और दे दो। अब ना जाने राजा के मन में जी क्या आया, बोले जा तेरा निवास सोने में और होगा, लेकिन कैसे सोने में, जो ना कहीं आ जाए अपनी अंगूठी पंगूठी ने फेंक दोगे हम तो सो कर लोगे। जो सोना अन्याय से कमाया गया हो, जो धन अन्याय से लूटा गया हो, दूसरे की छाती पर जाकर बना दियो बेचारी वो मटोले मेरे कागज कहां के, मेरे परमानेंट कहां है। अन्याय के धर्म में कलयुग होगा। और नीति कहती है अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दस वर्षाणि तिष्ठति प्राप्त एकादशे वर्षम समूलम च विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तक साथ दे सकता है,
लेकिन 11वें वर्ष में ब्याज सहित ले जा दादा, छोड़े ना। तो ऐसे सोने में निवास होगा जहां पर अधर्म का सोना हो। अब मौका, बोले ठीक है महाराज, आज कलयुग लगाना ही पीछे लग गया राजा। राजा अपने महल में आए जी, देखा खजाने को खोल करके तो एक बहुत सुंदर पेटी रखी है। उस पेटी पे लिखा हुआ था, इसमें जो वस्तु है वो केवल देखने योग्य है, पहनने योग्य नहीं है। बोले लियो हमारी वस्तु, हमारा अधिकार, हम राजा और हम ही ना पहने। उस बक्से को खोला, बहुत सुंदर मुकुट था। ये मुकुट जरासंध का था। युद्ध भगवान ने भीम को लेकर के जब गए अर्जुन को साथ में, तो युद्ध दान में मांगा था जरासंध से, और दान में उसको पराजित किया, तो उसके युद्ध को, इस मुकुट को भीमसेन लेके चल दिए। भगवान बोले भाई आप अधिकार हमारो ना है, हमने दान में युद्ध मांगा था। इस मुकुट पर इसके पुत्र सहदेव का अधिकार है। बोले भाई वाह, हमने युद्ध जीता, हम तो लेके चलेंगे। इस मुकुट को ले आए थे, ये अधर्म का था। आज राजा ने उस मुकुट को धारण किया और सोने में बैठने का वरदान था अधर्म के सोने में, उसी मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए। राजा की बुद्धि भ्रमित हुई जी, और राजा के मन में क्या आया, शिकार खेलना। कलयुग के स्थान बताए थे सोने में बेटा, हिंसायाम, जहां हिंसा होती हो कलयुग। अब शिकार खेलने की मन में आई, राजा घोड़े पे सवार हुए, धनुष बाण लिया और आखेट के लिए वन में चल देते। वन में चलते चलते शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, रास्ते से भटक गए। गर्मी का मौसम था, राजा को प्यास लगी, भूख लगी, तो राजा ने जंगल में एक आश्रम देखा संत महात्मा का, समीक ऋषि का आश्रम था। राजन महाराज जी वहां तपस्या ध्यान में बैठे थे। राजा पहुंचे तो राजा ने संत को प्रणाम नहीं किया। आपको कोई संत मिले, महात्मा मिले, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। देखो नीति का श्लोक है, भ्रमन्ते सम्पूजयते राजा, जो राजा भ्रमण करता हो है, अपनी प्रजा को देखरेख करता, रात में कोई भूखो तो नहीं सो रहा, वो राजा पूजनीय होता है। भ्रमणा सम्पूजयन्ते योगी, जो साधु महात्मा गांव में घूम घूमे सबसे प्रणाम करें, वो पूजनीय महात्मा होते हैं। भ्रमणा सम्पूजयन्ते द्विज, और जो ब्राह्मण बस्ती में सबको प्रणाम करते फिरे चलते रहे, वो ब्राह्मण भी पूजनीय होते हैं। लेकिन भ्रमंती नारी विनश्यति, आज दाऊ जी को जा रही है अकेली पुटरिया लेके, आज गोवर्धन को जा रही हूँ, आज 84 को जा रही हूँ अकेली जोले, कभी भी विनाश हो सकता है। शास्त्र कह रहा भ्रमंती नारी विनश्यति, अरे जोड़ाते जाओ, जैसे हमारे अम्मा दादा जहाँ परिचित हो परिचित नहीं, हाँ राशन लेवे तो के लिए हम गोविंद भगवान की। आज संत को प्रणाम नहीं किया, पहली गलती राजा ने की। अब राजा ने यहाँ पर पानी मांगा है, लेकिन महात्मा तो समाधिस्थ थे और समाधि में रहने वाले को कोई ध्यान नहीं रहता है। महात्मा ने नहीं सुना, बोले ओहो हम इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट, और हमको जल की कोई पूछता नहीं है, कैसा महात्मा है, ढोंग करता है। पास में एक सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को मरा हुआ नहीं था, बताऊंगा, उस सांप को बाण की नोक से उठाया और महात्मा गले में डाल दिया। क्यों जी, ये सांप मरा हुआ क्यों नहीं था? अब की बार कल्याण निकला, और पिछले वर्ष अखबार में मैंने पढ़ा था ये प्रसंग। ये तक्षक नाम का नाग था, जब पांडवों को रहने के लिए इंद्रप्रस्थ दिया, जहां पर आजकल दिल्ली है, यहां पर खांडव नाम का वन था, खांडव वन,
और पांडवों को रहने के लिए स्थान दिया तो ये बहुत बड़ा वन था। अर्जुन ने अग्निदेव का ध्यान किया, उस वन में आग लगा दी। वृक्ष जितने भी वहां पर वैसे थे वनस्पति सब धू धू करके जलने लगी। जो मैंने अभी कथा सुनाई थी, मरुत नाम के राजा ने यज्ञ किया और हाथी की सूंड के बराबर मोटी धार लगती थी, अपच हो गया था अग्निदेव को, इसलिए अर्जुन ने इस वन में अग्नि लगाई बाण से, तब अपच दूर हुआ था अग्निदेव का। वो घी की गर्मी वहां पर जाकर तीव्र जली। इसी वन में तक्षक की परिवार रहता था। तक्षक, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा, नाम था अश्वसेन। तक्षक अपने मित्र इंद्र के पास गए हुए थे मिलने के लिए। उस समय अर्जुन ने अग्नि लगाई। अब इसकी जो पत्नी थी तक्षक की, अपने पुत्र को मुख में दबा करके भागी, लेकिन अग्नि इतनी फैल गई थी, जैसे ही भागी अग्नि की चपेट में वो पत्नी आ गई, पत्नी मर गई और जो बच्चा था मुख से छूट करके दूर गिरा। तक्षक बोला, अरे मेरा परिवार जल रहा है इंद्र, मेरा कैसा मित्र है, अग्नि को शांत कर। इंद्र ने बारिश कर दी, अग्नि बुझ गई, लेकिन पत्नी जब तक मर चुकी थी। अब पुत्र बचा। इस अश्वसेन नाम के पुत्र ने कहा, मेरी माँ मर गई, इस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। और कौन से समय पहुंचा, जब अर्जुन और कर्ण का निर्णायक युद्ध चल रहा था। कर्ण के पास पहुंचा ये अश्वसेन जो तक्षक का पुत्र था। बोले, कर्ण ये तेरा भी शत्रु है और मेरा भी शत्रु है, इस समय मुझे अपने बाण पर बिठा ले, मैं इसको भस्म कर दूंगा। कर्ण ने कहना मान लिया, अपने बाण पर उस अश्वसेन को बिठाया। जैसे निशाना साध रहे थे, लेकिन सामने कौन थे, श्री कृष्ण। जा को राखे साया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जजबेरी हो। सामने भगवान थे, समझ गए अश्वसेन बैठा हुआ है बाण पर, भस्म कर देगा। अपने हाथ में जो घोड़ों की रास थी उसको खींच लिया। गोली की, धनुष की एक रेंज हो, जहां निशान लगाएंगे वहीं पर लगेगा, लेकिन जैसे ही तीर छोड़ा भगवान ने घोड़ों की रास को खींच दिया, घोड़े जमीन पर लेट गए, रथ नीचे हुआ, वो धनुष बाण जाकर के अर्जुन के मुकुट में लगा, मुकुट दूर जाकर के गिरा। अब उसमें से सर्प निकल के भागा। भगवान बोले, से मार दे, तुझे मारने आया था। मुकुट में आग लग गई थी, इतना तीव्र जहर था। अर्जुन ने एक बाण से अश्वसेन को मार दिया। तक्षक को बड़ा दुख हुआ, बोले, मेरी पत्नी मर गई इस अर्जुन की वजह से, मेरा बेटा मर गया, इससे बदला लूंगा। लेकिन पांडव हिमालय को चले गए। बोले, अर्जुन ना है तो अर्जुन को नाती सही। आज जैसे राजा परीक्षित उस वन में पहुंचे, ये वही तक्षक नाग था जो मरने का बहाना लेकर के आज वहां पर पड़ गया। बोले, इसको मैं संत के द्वारा श्रापित करवाऊंगा। आज वही तक्षक को बाण की नोक से उठाया जी, गले में डाल दिया और राजा अपने राजमहल में लौट आते। उधर इसके समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, कौश की नदी में स्नान कर रहे थे। शिष्य जाकर के पहुंचे, बोले, श्रृंगी श्रृंगी तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। बोले, किसने? बोले, राजा परीक्षित ने, पांडवंशी राजा हैं। बोले, मेरे पिता का अपमान, निर अपराध। अरे राजा, तुमको अपनी राज सत्ता का बल है, तो इन ब्राह्मणों को अपनी तपस्या का बल है। उसी नदी से जल लिया वरद हस्त पे और संकल्प ले दिया, हे राजा, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से सातवें दिन इसी तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो। इसी तक्षक के, वो तक्षक ही था। अब तो थोड़ी देर में तक्षक नाग सब गायब, भगवान की लीला माया। आए पिता के पास आकर के रोते हैं, शिष्य रोते हैं। जैसे शोर शराबा हुआ, समीक ऋषि के नेत्र खुले,
बोले पुत्र क्या हुआ, अरे शिष्य क्या हुआ। बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे, आपका अपमान किया, आपके गले में सर्प को डाल गए, मैंने चिंता मत करो राजा को श्राप दे दिया है। श्राप तुमने, बोले अनर्थ कर दिया। अरे संत महात्मा को गुस्सा कितने किसने बताया, अपमान तो मेरा हुआ था, श्राप देता तो मैं देता, तुमने क्यों दिया। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं ब्राह्मणों का श्राप फलेगा ही नहीं, अनित रोज देते रोज गाय न कहीं मर्द हो। समीक ऋषि का वरदान था। और कहा अरे संत को गुस्सा करना चाहिए, पक्षी नाम काक चांडालम, पक्षियों में चांडाल कौआ है, पशु नाम चैप कुकराहा, पशुओं में कुत्ता चांडाल है, और मुनि नाम कोपी चांडालम, संतों में गुस्साबाज महात्मा हो समझो चांडाल श्रेणी का है। अरे संत का गुण तो क्षमा करना होता है। कोकिलाम सरो रूपणाम, कोयल का सर रूप क्या है, मीठा स्वर। स्त्री रूपम पतिव्रताम, स्त्री का रूप क्या है, सुंदर पतिव्रता हो। और विद्या नाम कुरूपणाम, कुरूप के पास भी विद्या होगी तो वो सुंदर लगेगा। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, क्षमा करने का गुण तपस्वियों संतों का होता है। अरे मूर्ख तुमने श्राप दे दिया, तुम जानते हो कैसा धार्मिक राजा था, अरे उसकी बुद्धि पर तो कलयुग बैठा था, लेकिन तुमने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के दो शिष्य भेजे जाओ, जाकर के राजा को ज्ञात दिला दो आज से 7 बजन तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई है, सर्प आएगा तुम्हें खाएगा। आज गौरमुख नाम के चेला पहुंचे जी, जाकर का राजन तुमको श्राप लग गया है, कुछ उपाय कर लो। राजा घबराए नहीं, विफल नहीं हुए, उसी समय अपने राज वैभव को सबको त्याग दिया। बोले श्राप लग गया है, मैंने जो अपराध किया है इसी जन्म में उस अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। सब कुछ त्याग करके, वैभव त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज सौंपा। बेटा 3 बातों का याद रखना, अतिथि का सत्कार करना, शरण में आए को मारना मत, और कभी अपनी आंखों से अधर्म होते हुए मत देखना। राज सौंप करके गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, दक्षिण तट पर उत्तर विमुख होकर के राजन बैठ गए। त्रिलोकी में खबर पड़ गई, राजा को श्राप लग गया है। संत महात्मा सभी आए, अत्रि वशिष्ठ भरद्वाज गौतम अंगरा पाराशर विश्वामित्र परशुराम नारद और स्वयं व्यास जी भी पहुंचे। राजा ने सबको प्रणाम किया, बोले हे संतो आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मैंने एक संत का अपमान किया और इतने संत मेरे ऊपर कृपा करने आ गए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, महाराज 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। अब यह बात सुन के सब चुप रह गए। और ये विड़म्बना है, हमको तुमको भी 7 दिन ही मिले, आज कहा जी शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो फिर शुक्र, कोई 8वें दिन आवे मरवे को, तो ये तो हमारे तुम्हारे सबके लिए भागवत है। बोले महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, मेरी मृत्यु निश्चित हो गई, मुझे क्या करना है। सब महात्मा संत चुप। तभी 16 वर्ष की उम्र अवस्था है, श्री सुखदेव जी दिगंबर भी इसमें पधारे। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो यदक्ष छाया गामटमान अनपेक्षा। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी दिगंबर भेष में, जटाएं पीठ तक आ रही हैं, लंबी लंबी भुजाएं चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे धूल फेंक रहे हैं, कंकड़ मार रहे, लेकिन देह का कोई भान ही नहीं है। जैसे ही आए राजा के पास में, राजा ने प्रणाम किया, बोले गुरुदेव
मैं क्षत्रिय अपराधी हूँ और आपने आज मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है, इसलिए गुरुदेव मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, मुझे श्राप लगा है। अगर सुखदेव जी तो राजा कह देते कि मेरे मुझे श्राप लगा है, मुझे बचा लो, तो सुखदेव जी की भी अमृत दृष्टि थी, राजा को बचा लेते। लेकिन राजा ने कहा नहीं, बोले मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि मुझे कर्म भोगना है। आज श्री सुखदेव जी की पाद अर्घ धूप इत्यादि से पूजन किया, आसन दिया, चरणों में प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी ने राजा के सिर पर बरदहस्त रखा। बोले राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत कल्याणकारी है, ये तुम्हारा नहीं सारे संसार का प्रश्न है। और राजा परिचित बोले, गुरुदेव आप तो मेरे लिए ब्रह्मा बन के, विष्णु बन के, शंकर बन के आए हैं, तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं? महाराज मेरे कल्याण के बारे में बताइए। तुम्हें ब्रह्मा कहूं या विष्णु या शिव शंकर त्रिपुरारी, पर ब्रह्म मेरे गुरुदेवा, शरण तुम्हारी, पर ब्रह्म मेरे गुरुदेवा, शरण तुम्हारी। Oh, yeah.
जब राजा ने प्रश्न किया, मृत्यु निश्चित हो गई है, तो सुखदेव जी बोले, राजन वर्यानसे प्रश्नः कृतो लोकहितो नरपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिसुया परः। अरे तेरा प्रश्न तो कल्याणकारी है, वर्यानेस प्रश्नः, ये तो लोक कल्याण का प्रश्न है, सभी के लिए प्रश्न है राजा, तेरा प्रश्न नहीं है। सबसे बंधन लगा हुआ है, चूल्हा चक्की ओखली झाड़ू जल स्थान पांचों हत्या रोज की बंधनकारी जान। हमारी माता बहन चूल्हा जलाती हैं तो जीव मरते, चक्की चलती है हम भी जीव मरते, हत्या होती है। ओखली पहले बड़ी बड़ी ओखली थी, धान कूटती थी उसमें भी जीव मरते थे। जल स्थान जहां पर जल का स्थान होता था, घड़ा कलश रखा रहता था, वहां जल जीव मरते थे। निरपराध पांच हत्याएं लगती हैं इनको भी, उनसे बचने के लिए उपाय बताए प्रभु का नाम, गौ ग्रास काग बलि स्वान बलि पिपिल का बलि चींची के लिए भी डालते हैं। तीन ऋण हमेशा रहते हैं, देव ऋण पितृ ऋण आचार्य ऋण। देव ऋण भगवान की पूजा सेवा करने से मुक्त होता है, देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण पितरों के निमित्त स्वधा इत्यादि करने से जो हम बलि देते हैं, और लिखा भी है ना विप्रपादो दग कर्म नानी, जिस घर में ब्राह्मण संत के कभी चरण पड़े ही ना हो, ना विप्रपादो दग कर्म नानी ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में कभी वेद शास्त्रों की जय जयकार ध्वनि ना गूंजी हो, ना सुहा सुधाकार विवर्जितानी, जिस घर में कभी सुहा यज्ञ ना हुआ हो। हमारे दादा हमारे तो घर में ही चल लो परिचित जी, स्वधाकार पितरों के लिए बोलते हैं स्वधा, और देवताओं के लिए की जाती है स्वाहा। जिस घर में पितरों के लिए कभी किनका ना निकला हो, अजी हम तो गए आजी है आए पिंडदान दे आए, अब कोई जरूरत ही ना श्राद्ध करने की, शास्त्र कह रहा है ना स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी। उस घर को क्या समझना चाहिए, शमशान तुल्यानी गृहिणीतानी, वो घर शमशान के तुल्य माना जाता है। बोले राजन चिंता मत करो, तुम्हारा तो कल्याण होगा, बताया तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, इसलिए राजन सर्वात्मा का ध्यान कर। समय हो गया, कोई बात ना, आज की समा कथा को ही विराम देंगे। अब एक भजन सुनेंगे हमारे शास्त्री जी से, और उसके बाद में आरती। बोली बाबा बिहारी लाल की जय। आइए भजन के साथ सभी मेरे साथ भक्ति में झूम के और गाएं मेरे साथ। मेरे गाना से कहना कहना हो मेरा मुरली वाला रूठे हरि घनी श्याम सवरिया ना रूठे, और ये दुनिया रूठे रूठ जाए तेरा मुरली वाला रूठे। कौन कौन चाहता है मेरा मुरली वाला ना रूठे मुझसे, ये बात सीधे खड़ी हाथ और ताली बजाते हुए मेरे साथ गाना है, और मेरा मुरली वाला ना रूठे घनश्याम सवरिया ना रूठे, मेरा मुरली वाला ना रूठे घनश्याम सवरिया ना रूठे, मुरली वाला ना रूठे घनश्याम सवरिया।
स्थान खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान खड़े हो जाएं। बोले गोविंद भगवान की जय। ओम चंद्रमा लोजादश चो सूर्यो जय बाजो तद्वस्मण सुखा दंगे जायतः आ
देखे